नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, आपको दर्शक विदित है कि आज जो है जो शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा और अन्य जो अधिकारी है शिक्षा विभाग में, उनकी मीटिंग हुई थी RPC फर्स्ट ग्रेड को लेकर कि डेट आगे बढ़ानी है कि नहीं, और रीट के ऊपर भी चर्चा हुई। तो दोस्तों, आज की इस बैठक में क्या निर्णय हुआ है मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि ये जो निर्णय है वो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किए हैं और क्या घोषणा की है तो वो मैं बताऊंगा आपको। वीडियो देखने शुरू से लास्ट तक, और दोस्तों चैनल पर अवेलेबल हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, ये डोटासरा ने 1 घंटे पहले ट्वीट किया था कि स्कूल व्याख्याता परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाने के मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं सब कमेटी में विचार विमर्श के बाद सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए विद्यार्थी हित में परीक्षा को तय समय पर ही करने का फैसला लिया है। आंदोलन सभी युवा साथियों से मेरा अनुरोध है कि आंदोलन समाप्त करें और बहुत जल्द रीट भर्ती की घोषणा होने जा रही है, जिसमें सभी अच्छे से तैयारी करके शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये दो ट्वीट उन्होंने किए हैं, यानी पहला ट्वीट है कि स्कूल व्याख्याता परीक्षा जो कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम है, ये आगे नहीं बढ़ाने का उन्होंने निर्णय लिया है, यानी परीक्षा तय समय पर होगी। और उन्होंने जो आंदोलन करने वाले युवा साथी हैं उनसे आह्वान किया है कि वे आंदोलन समाप्त करके रीट की जो भर्ती जल्द होने वाली है उसकी तैयारी करें। तो इसमें यह कहा गया है कि बहुत जल्द रीट की घोषणा होने वाली है, यानी ये नहीं कहा गया कि रीट की नोटिफिकेशन किस तरह, लेकिन ये स्पष्ट संकेत दे दिया है कि रीट अब बहुत जल्द आने की संभावना है। तो दोस्तों, जो भी भाई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, और भाई आप अपनी तैयारी में जुटे रहें और रीट वाले अभ्यर्थी भी अपनी तैयारी में जुटे रहें, बाकी सबके लिए मंगल कामना है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।